ये बोल रहा है कि मंदिर से सिर्फ भिखारी बढ़ेंगे। अगर स्कूल बनता, वही कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। 13 साल में इतना ज्ञान कहाँ ले लिए भैया? सर स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, और मंदिर जाते तो क्या हो जाते? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो हमको, इधर दे दो भैया, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो। वाराणसी में आते हैं तो कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। उनको फोन किए होंगे, हमको तो नहीं किया, हमको तो कभी नहीं बुलाया, और सबको तो नहीं बुला रही हैं। अच्छा, उन्हीं को बुलाती हैं, हमको तो नहीं बुला रही, बहन कुमारी को नहीं बुला रही हैं। हमको उन्हीं को बुला रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर को भी तो पूजते हैं, तो फिर मंदिर में काहे नहीं पूजते भैया? क्यों पूजे सर, मगर बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, संविधान लिखा है, भगवान ने हमारे लिए किया किया कि हम करें उनके लिए। राम का नहीं जाना, हमको कोई दिया नहीं, हमको राम ने कुछ नहीं दिया है। अच्छा, हाँ हमको तो नहीं दिया कुछ, हमको जो भी दिया है बाबा साहब ने दिया है, जो कुछ भी दिया है सब बाबा साहब ने दिया है। सर IAS UPSC की तैयारी करेंगे। UPSC की तैयारी करेंगे? हाँ। फिर IAS बन के क्या करेंगे? IAS बन के समाज सेवा करेंगे, और क्या करेंगे? कैसी समाज सेवा? जैसे कर रही है हमारी बहन जी, जैसे कर रही है वैसे। क्या करती है भैया? सब बहुत, सरकार सत्ता में आएंगी, हमारे लिए विद्यालय बनवाई है, इसके बाद बहुत कुछ की है, यही मांगना पड़ता। सरकार आपका कितना ध्यान रखती है, आपको मिड डे मील देती है, आपको खाने को देती है? क्या देती है सर, 5 किलो में कितना, 5 किलो में कितना दिन खाएंगे हम? कितना दिन खाएंगे आप ही बताएं। कह रहे हैं उसको लगातार चलाएंगे हम। लगातार कैसे चलाएंगे, अभी कब तक लगातार चलाएंगे? तेल भी फ्री से चले जाएंगे तो तेल दे रहे हैं, तेल कितने दिन खाएंगे बताइए? अभी 1 महीने में 5 किलो राशन में आप खा लेंगे? खा लेंगे आप? लेकिन सारे तो बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुत बढ़िया है। बीजेपी हमारे लिए तो नहीं बढ़िया है, हमारे लिए बढ़िया नहीं, हमारे लिए तो बहन जी बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपको बीजेपी में मोदी जी चाहिए, योगी जी चाहिए, बहन जी चाहिए? बहन जी चाहिए, हमको बहन जी चाहिए, हमको बहन जी चाहिए। अरे भैया मोदी जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मोदी सिर्फ कहते हैं ना, लेकिन करते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। बीजेपी मंदिर बना रही है क्या? बीजेपी मंदिर बना रही है का? अपने मंदिर लेकर हमारा खर्ची चलेगा? अपने मंदिर, अपने मंदिर, अपने मंदिर, अपने मंदिर, अपने मंदिर। ये छोटा सा बच्चा है, क्या नाम बेटा आपका? आदर्श राज। आदर्श राज, बाबा के लिए हम मंदिर का सवाल पूछ रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं बीच में वो बताइए? बोल रहा है कि मंदिर से भिखारी बढ़ेंगे। अरे नहीं भैया, पूजा होगी, भगवान सब कुछ देंगे। कुछ कुछ नहीं देंगे भगवान, क्या दे रहे हैं भगवान? कुछ नहीं दिए हमको। भगवान नौकरी देता है, भगवान शिक्षा देता है, बाबा नौकरी नहीं दिए, पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा, हमें नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। विद्यालय रहेगा तो हमें, शिक्षित होंगे तो हमें नौकरी मिलेगा, होंगे तब ना नौकरी मिलेगा हमें। बेटा घर घर में मंदिर होगा तो विकास होगा, आशीर्वाद होगा, कल्याण होगा सब। सर आशीर्वाद कौन, आशीर्वाद हमको तो नहीं दे रहा है भगवान आशीर्वाद? ये बोल रहा है कि मंदिर से सिर्फ भिखारी बढ़ेंगे। अरे नहीं भिखारी बढ़ेंगे सर, अगर स्कूल बनता, वही कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। लेकिन मंदिर तो कहते हैं शिक्षा की देवी मानी जाती हैं, सबका कल्याण कर देती हैं। हमें तो शिक्षा नहीं दे रहे, हम नहीं पढ़े, देखे हमें भगवान शिक्षा दे रहे हैं। अरे तुम स्कूल नहीं जाते क्या? मंदिर नहीं जाते होंगे? हम जाते हैं, मंदिर नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं आप? पढ़े हैं जी? पढ़े हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर IAS UPSC की तैयारी करेंगे। UPSC की तैयारी करेंगे? फिर IAS बन के क्या करेंगे? IAS बन के समाज सेवा करेंगे, और क्या करेंगे? कैसी समाज सेवा? जैसे कर रही है हमारी बहन जी, जैसे कर रही है वैसे। क्या करती है भैया? सब बहुत, सरकार सत्ता में आएंगी, हमारे लिए विद्यालय बनवाई है, इसके बाद बहुत कुछ की है। विद्यालय जरूरी है, मंदिर जरूरी है, विद्यालय जरूरी है। सारे देश तो सुबह सुबह लोटा लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, सूर्य देव को जल चढ़ा। हम नहीं जाते ना, बेवकूफ है ना सर? नहीं भैया ऐसा नहीं बोलते, मनोकामना पूरी हम तो नहीं चढ़ाते सर, हम अपने गुरु को पूछते हैं, अपने मम्मी बाप को पूछते हैं, माँ बाप को पूछते हैं, हम तो नहीं चढ़ाते हैं जल, हम भी क्यों नहीं, हमको तो, हम लोग तो कोई भगवान का साइंटिस्ट आयर IAS IPS और UPSC की तैयारी कैसे कर पाएंगे जब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे? तो सर हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप से अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे तब कि भगवान हमको ज्ञान ला कर देंगे। उम्र है आप भगवान? हमको सर 13 साल। 13 साल में इतना ज्ञान कहाँ ले लिए भैया? सर स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, मंदिर जाते तो क्या हो जाते? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो हमको, इधर दे दो भैया, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, यही मांगना पड़ता। सरकार आपका कितना ध्यान रखती है, आपको मिड डे मील देती है, आपको खाने को देती है? क्या देती है सर, 5 किलो में कितना, 5 किलो में कितना दिन खाएंगे हम? कितना दिन खाएंगे आप ही बताइए। कह रहे हैं उसको लगातार चलाएंगे हम। लगातार कैसे चलाएंगे, अभी कब तक लगातार चलाएंगे? तेल भी फ्री से चले जाएंगे तो तेल दे रहे हैं, तेल कितने दिन खाएंगे बताइए? अभी 1 महीने में 5 किलो राशन में आप खा लेंगे? खा लेंगे आप? लेकिन सारे तो बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुत बढ़िया है। बीजेपी हमारे लिए तो नहीं बढ़िया है, हमारे लिए बढ़िया नहीं, हमारे लिए तो बहन जी बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं
कि आपको बीजेपी में मोदी जी चाहिए, योगी जी चाहिए, बहन जी चाहिए? बहन जी चाहिए, हमको बहन जी चाहिए, हमको बहन जी चाहिए। अरे भैया, मोदी जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मोदी सिर्फ कहते हैं ना, लेकिन करते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। वो तो वाराणसी में जाते हैं, कहते हैं मेरे को गंगा माँ ने बुलाया है। क्या सर? वो वाराणसी में आते हैं तो कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। उनको फोन किए होंगे, हमको तो नहीं किया, हमको तो सबको तो नहीं बुला रही हैं। अच्छा। उन्हीं को बुलाती हैं, हमको तो नहीं बुला रही, बहन कुमारी को नहीं बुला रही हैं। अच्छा। हमको उन्हीं को बुला रही हैं। मंदिर नहीं जा रहे भैया? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाते? वैसे ही नहीं जाता, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं मंदिर में, तो जाकर क्या करेंगे? जितना मंदिर में टाइम वेस्ट करेंगे उतना स्कूल में करेंगे, तो कुछ और पढ़ेंगे। अच्छा। और ज्ञान मिलेगा? ये सारे ताली क्यों बजा रहे हैं आपकी बात पे? ये सारे तो मंदिर जाते हैं? नहीं, कौन जाता है? कोई नहीं जाता है, जो हमारे साथ है वो नहीं जाएंगे मंदिर। अच्छा, तो तुम्हारे यार दोस्त जाते हैं मंदिर? नहीं, वो नहीं जाते। नहीं, हमारे हमारे गांव का और हमारे एरिया का कोई नहीं जाता है मंदिर। आपको हमारे गांव में मंदिर भी नहीं मिलेगा। कौन सी जाति से आते हैं? हम सब चमार हैं। चमार हो? इतना छीना ठोक के बोलते हो? छीना ठोक के बोलते हैं चमार। अरे डरते नहीं, छोटे से बच्चे नहीं डरते। अभी हम जौनपुर से आ रहे हैं, अपने ट्रैक्टर में, खुद का ट्रैक्टर है, स्कॉर्पियो भी है, उसी से आए हैं ट्रैक्टर से। अच्छा। खुले में चमार चमार बोलते हैं, कोई बोलने वाला नहीं मिला आपको? कोई चमार बोलने वाला नहीं? लेकिन कोई नहीं बोलेगा जो आपको कोई चमार नहीं? हम चमार अपने दम पे हैं, अपने दम पे हैं। हमें बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हमें आरक्षण दिया है, तब हम बोल पा रहे हैं जी। आप बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी तो पूजते हैं, तो फिर मंदिर में काहे नहीं पूजते भैया? क्यों पूजे सर? मगर बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, संविधान लिखा है, भगवान ने हमारे लिए किया, किया कि हम करें उनके लिए। बीजेपी तो ये कह रही कि मंदिर बनवा देंगे बाबा साहब का। मंदिर बनवा कौन बनवा? बाबा साहब का मंदिर बनवा देंगे तो बनवाए ना, सत्ता में तो बनवाएंगे नहीं। मंदिर जाते हैं आप? मंदिर बन जाए? हाँ चाहते हैं, क्या नहीं। राम का फोटो एक साथ, बाबा साहब का फोटो? नहीं, राम का नहीं जाना, हमको कोई दिया नहीं, हमको राम ने कुछ नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, हमको तो नहीं दिया कुछ। हाँ। हमको जो भी दिया है बाबा साहब ने दिया है, जो कुछ भी दिया है सब बाबा साहब ने दिया है, कांशी राम ने दिया है। कांशी राम साहब ने क्या दिया सर? बहुत उन्होंने बहुत समाज सेवा की है, बहुत कुछ किया है। बात बताइए, आप समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आपको क्या लगता है कि अगर बहन जी आएंगी तो आपके लिए क्या काम होगा वो बताइए? बहन जी आएंगी तो मतलब शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया होगा। अच्छा। और इसके बाद जो चमारों को, जो बिरादरी के ऊपर दबाव है, दबाव बहुत खाली है, इसमें बहुत दबाव चल रहा है। किस तरीके का दबाव है वो बताइए सर? बहुत है। अभी देखिए, बीजेपी वाले जाएंगे घर पे, अभी धमकी दे रहे थे, एक बीजेपी में भी हमने कहीं सुना था, बीजेपी वाले जाकर वहाँ पर किसी दरगाह में जबरदस्ती पूजे कर रहे थे। अभी ये सब गुंडागर्दी है ना। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो वैसे छोटे से हैं, लेकिन ऐसे बोला जाता है मुसलमान तो देश के लिए खतरा है, क्या बोलेंगे आप? कुछ खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, नहीं। वो सारा ये बोलते हैं हिंदुत्व खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में है, है ना, अगर ये लोग आ गए तो कैसे खतरे में? ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे, सबको लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे बहन जी सबको? सर उनको सत्ता में रहना है, इसके बाद सभी समाज को साथ में लेके चलना है, सरकार की चलानी है। आप किशन जी को साथ लेकर चले मानते हैं? नहीं, किसी जी को भोलेनाथ को मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते होंगे? किसी को भी नहीं। सरस्वती माता? किसी को नहीं। शेरा वाली? सिर्फ हम ज्ञान, कलकत्ते वाली, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान, सिर्फ गुरु ज्ञान, माता पिता की सेवा, गुरु ज्ञान बस। बाबा साहब के मानते हैं? बाबा साहब, और किसी को मानना नहीं है? नहीं, किसी को नहीं। आईएएस आईपीएस यूपीएस बन गए तो क्या करेंगे? यूपीएससी की तैयारी करके भैया? यूपीएससी की तैयारी सर, आईएएस बनेंगे हम, समाज सेवा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।